और वेक्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 10.3, तो उसमें रह गया क्वेश्चन नंबर 15, है ना। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है विद द गिवन वर्टिसेस ए बी एंड सी। तो मुझे बोलना बेटा वी हैव क्वेश्चन वेक्टर ऑफ ए दैट इज OA किसके बराबर है उमर? 1, 2, 3 दैट इज वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3k जो जो पॉइंट है ना वहां से आई भी वहां से पॉइंट है 1, 2, 3 है ना। तो 1 के साथ आई, 2 के साथ जे, 3 के साथ के। बोलना दूसरा वेक्टर ओ बी बेटा माइनस आई 0j 0k प्लस 0j 0k प्लस 0k ओके। और वेक्टर ओ सी माइनस 0i 1j 2k बेटा सभी का क्लियर हुआ है कैसे? क्योंकि आपके पास दिया होगा वी हैव ए 1, 2, 3 कामा बी माइनस 1, 0 एंड 0 ही है ना, एंड सी सी के कार्डिनेट्स क्या है 0, 1 और 2 है ना। ए बी सी आपके पास दिए है, ये वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है। आपने कहा ए क्योंकि हम वेक्टर से पुशन वेक्टर हो ए ओ बी और ओ सी। और जो मकसद आपके पास क्वेश्चन है ना यू हैव टू फाइंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन किस किस वर्टिसेस के दरमियान। लास्ट पे देखो बी एंड बी सी देखो सभी लोग। नाउ वेक्टर बी ए कोई बोलो किसके बराबर होता है बी ए ओ ए माइनस ओ बी ठीक है ना। और दूसरा क्या है बेटा बी सी आप बोलो बी सी ओ सी माइनस ओ बी तो ये क्लियर हुआ है आपको। चलो बेटा ओ ए माइनस ओ बी ओ ए माइनस कर लो ओ बी दिस माइनस माइनस बनेगा प्लस 2i इसको माइनस करेंगे तो 2j इसको माइनस करेंगे तो 3k है ना। ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा आई ओ आई बनेंगे ना 2i शायद क्योंकि हम ओ ए को माइनस कर रहे हैं ओ बी तो 0 माइनस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा आप लोग निकालो ओ सी माइनस ओ बी मुझे बताओ इसको माइनस करेंगे प्लस आई आएगा तो प्लस जे आएगा और प्लस 2k आएगा। यहां तक क्लियर? अब ये आपके पास बी ए है ये आपके पास बी सी है। सपोज आप लोगों ने कहा सर जो ये बी ए है ना इसको हम मानते हैं अपने लिए वेक्टर ए सुमाल ए इसको मानेंगे हम मकसूद वेक्टर बी। चलो बेटा बोलना नाउ ए डॉट बी किसके बराबर है एज पर योर फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा है ना। ए डॉट बी निकालो 2 1s 2 2 1s 2 2 3s 6 है ना। 1s 2 1s 2 2 3s 6 ये है ना ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालो इसका मैग्नीट क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 8 प्लस 9 तो 17 अंडर रूट ऑफ 17 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 को 2 प्लस 6 और कॉस थीटा ये है ना। ये बनेगा 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 17 6 ये है ना इक्वल टू कॉस ऑफ यही एंगल निकालना था ना। तो आपने कहा सिंपली जो कॉस थीटा का वैल्यू मिलेगा सर दैट इज 10 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 76 आर को 42 4 विद कैरी 6 1 6 पक्का 7 6 42 4 कैरी 6 1 6 तो दिस इज निकाला था ना। तो आपने कहा सर जो थीटा का वैल्यू मिलेगा दैट इज कॉस इनवर्स 10 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 विद दिस वी फिनिश दिस एक्सरसाइज ओके राइट डाउन दिस। तो जो आज का टॉपिक है ना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स लास्ट टाइम उमर आप लोगों ने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट है ना। अभी इसका नाम क्या है दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट कहो या क्रॉस प्रोडक्ट। जो लास्ट लेक्चर था दैट वाज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी आप लोग कह रहे हैं कि सर जो ये वेक्टर ए है ना हम इसको यूजुअली लिखते हैं ए वन वेक्टर आई बी वन वेक्टर जे सी वन वेक्टर के ये लिखते हैं ना। और नदीम बी को लिखते हैं हम ए टू वेक्टर आई बी टू वेक्टर जे और सी टू वेक्टर के। बेटा हमें निकालना है ए क्रॉस बी सभी लोग नोट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कैसे डिफाइन करें दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू गेट अ फुल लेंथ क्वेश्चन ऑन दिस। ये बहुत ईजी है सभी लोग कंसंट्रेट कर लो। अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना होता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा एंड द यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। ये पॉइंट याद रखना ए क्रॉस बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और एन क्या है यूनिट वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन। मुझे बताना ए डॉट बी क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा है ना। जे आपने कहा इक्वेशन फर्स्ट इस पे थोड़ा कंसंट्रेट करना।
ये निकाला था आपने मकसूद ए क्रस बी, अगर आप निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रस बी बोलना क्या आएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए डबल मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वन। तो बेटा ये बनेगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ये बन गई इक्वेशन सेकंड, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। सभी लोग कंसंट्रेट करेंगे, अगर मैं बेटा फर्स्ट को डिवाइड करूंगा सेकंड से, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। तो बताना आपको क्या आएगा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इतना मिलेगा। सभी लोग देखना, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस, ये डिवाइड बाय दिस, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, साइन और साइन, बचेगा क्या? आपको एग्जाम में क्वेश्चन होगा, दो वेक्टर दिए होंगे, आप लोग इनके दरमियान यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। पहला पॉइंट क्लियर? पक्का? सभी लोग सेकंड इससे देखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड से मैं कुछ खास निकालूंगा। फ्रॉम सेकंड साइन थीटा छ आसान बराबर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। मकसूद इसमें वहां कंफ्यूजन होता है, इसलिए सभी लोग यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट रिप्रेजेंट्स साइन थीटा। अब एक और पॉइंट, आप लोगों ने कहा था सर डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई किसके बराबर होता है? जे डॉट जे, के डॉट के, अगर आई को जे से करेंगे तो जीरो है ना। लेकिन यहाँ पर देखना, आपके पास जो एंगल है ना दैट इज साइन थीटा, इसलिए आप लोग पूरा सभी लोग नोट करके रखेंगे पॉइंट, पहला पॉइंट नोट करके रखेंगे पॉइंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, जो वहां आप कहते थे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। बेटा ये पॉइंट नोट करना, ए क्रॉस बी यहाँ पर किसके बराबर है? माइनस टाइम्स बी, और यहाँ पर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, वो इक्वल टू जीरो होता है। मैं पूछूंगा क्यों, आई क्रॉस आई मीन्स पैरेलल, साइन जीरो तो जीरो होता है ना, और यहाँ पर आप लोग ये पॉइंट नोट करके रखेंगे, दिस इज आई, दिस इज जे, दिस इज के, ऐसे चलेंगे क्लॉक वाइज में, अगर आई को किसे करेंगे बचेगा क्या, आई क्रॉस जे के बराबर है, जे को किसके साथ, जे को अगर के साथ करेंगे तो आई, अगर आप के को करेंगे आई के साथ जी आई को तो जी। अब मुझे बताना अगर उल्टा करेंगे रिवर्स, जे को करेंगे आई से तो क्या आएगा, माइनस, क्योंकि आपने कहा ए क्रॉस बी इक्वल माइनस टाइम, तो बेटा आपने कहा अगर सर हम जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस की, अगर के को माइनस आई, अगर बेटा आई को के के साथ माइनस, ये पॉइंट चार रखने नोट बस, राइट डाउन दिस, दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा इसमें, आज किस क्वेश्चन कर रहे हैं शायद उमर, वन टू थ्री टू फोर फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, वी हैव वेक्टर ए किसके बराबर है बेटा, आई आई माइनस सेवन जे, हाँ बेटा प्लस सेवन के, प्लस सेवन के बी वेक्टर बी इक्वल टू थ्री आई माइनस टू जे, थ्री आई माइनस टू जे प्लस टू के, टू के हमें निकालना है बेटा, वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है ना। तो सबसे पहले मकसूद आपको निकालना है ए क्रॉस बी, यही सिखाना है मुझे हाउ वी कैन कैलकुलेट। तो बेटा नाउ ए क्रॉस बी से भी लोग नोट करेंगे इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, ए क्रॉस बी को कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ I, J और K। अब I के क्वेश्चन देखो, यहाँ I का क्वेश्चन क्या है, one. नीचे क्या है, थ्री माइनस सेवन माइनस टू सेवन और टू, बहुत इजी। I, J और K लिखना है, इसके बाद I का क्वेश्चन, J का क्वेश्चन और K, कर लो आप A क्रॉस B जैसे आप निकालते हो वेक्टर, ये डिटरमिनेंट I बाहर रखेंगे इसको, इसके साथ टू सेवन सर फोर्टीन माइनस फोर्टीन प्लस फोर्टीन माइनस फोर्टीन प्लस फोर्टीन आता है ना आपको, दूसरी टर्म माइनस माइनस जी, टू वन जार टू
माइनस 21 ये है ना, प्लस के टाइम्स माइनस 2 प्लस 21 बेटा क्लियर। तो आपने कहा ए क्रॉस बी इक्वल टू सर 0 आई प्लस 19 जे प्लस 19 की, यही आया ना बेटा। आप लोगों को इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, यही है ना फार्मूला, यही है ना बेटा। तो आपने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 टाइम्स 19 स्क्वायर, दो बार है ना, तो 2 टाइम्स 19 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ए क्रॉस बी मिलेगा 19 टाइम्स रूट 2। बेटा क्लियर हुआ ना, मैंने 19 स्क्वायर को बाहर निकाला रूट से, मगर कितने बार था, दो बार था ना, एक प्लस एक गुना 2, तो दैट इज 19 रूट 2। क्लियर, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट ए क्रॉस बी। अब आपको दूसरा क्वेश्चन होगा कि ये तो मैग्नीट्यूड, एंगल निकालो इनके दरमियान, वो किसके बताया अलग से निकालेंगे मैग्नीट्यूड बी आएगा ना, राइट डाउन दिस, ये बहुत इजी है। मुझे 2 आगे पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच, देखो बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर, तो फार्मूला याद होनी चाहिए, क्या है बेटा वेक्टर, ए इक्वल टू, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो बेटा, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस वक्त हमें निकालना है पहले ए प्लस बी फिर ए माइनस बी और उसके बाद आपको पता है, बोलो बेटा, वी हैव वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2j वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 2k प्लस 2k, आगे बेटा वेक्टर बी, वेक्टर बी आई प्लस 2j माइनस 2k, वेरी गुड, निकालो उमर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी 3 प्लस 1 i 4i प्लस 4j 0 k शुड दैट यस सर, वेक्टर ए माइनस बी है ना, निकालो 3 में चलेगा तो 2i, 2 में 2 चलेगा तो 0j, तो प्लस 4 की, ये आपको मिला ए प्लस बी और ये क्या मिला ए माइनस बी, लेकिन इस वक्त हमें इनके दरमियान यूनिट वेक्टर नहीं है, इसलिए आपने कहा सर इस ए प्लस बी को हम लिखेंगे कैपिटल वेक्टर ए, इसको नाम रखेंगे कैपिटल वेक्टर बी। बेटा क्लियर, तो अब हम निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वो तो आपको पता है दैट इज डिटरमिनेंट आई जे और ये है ना 4 2 4 0 0 एंड 4, निकालो ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा जल्दी, आई टाइम्स 16 माइनस 0 माइनस जे टाइम्स 16 माइनस 0 प्लस के टाइम्स 0 माइनस 8, ये है ना। तो बेटा ए क्रॉस बी आपको शायद मिलेगा 16 आई माइनस 16 जे माइनस 8 के, मिलाना ये। अब आपको यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए, वो मुझे पता नहीं है, आपने कहा सर यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, बोलना बेटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालो बेटा, तो वो बनेगा अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सर सबको ये थीटा आस निकालना है, ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये आप लोग जो बोल रहे हैं मैं वही लिख रहा हूँ, मैंने पहले कहा ना मैं नहीं बोलूंगा, तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए क्रॉस बी तो आपने निकाला, आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोलना रूट ऑफ 32 16 प्लस 16 रूट ऑफ 32, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालो बेटा रूट ऑफ 4 प्लस 16 रूट 20 है ना, होल मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, बुद्धू है आप लोग से भी, ऐसे ही करना गलत था, यदि आप लोगों ने लिखा फार्मूला मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है ना, ऐसे तो आपने कहा दैट इज 16 आई माइनस 16 जे प्लस 8 के डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ माइनस 8 के, माइनस 8 के बेटा ओके 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर है ना, वो तो कर सकते हो, ओके राइट ऑफ दिस, बोलो बेटा उमर क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड हां लैम्डा एंड म्यू हां इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k इनटू i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू k इक्वल टू 0। देखो बेटा हमारे पास क्या है, वी हैव टू फाइंड द टू स्केलर्स लैम्डा एंड म्यू एंड वी हैव गिवन
वेक्टर लाइक दिस वी हैव, बोलना बेटा वेक्टर ए लिखेंगे हम, टू वाई प्लस सीक्यूजे प्लस सीक्यूजे प्लस 27 के प्लस 27 के इंटर वेक्टर बी, दूसरा वेक्टर बी आई प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के। देखो बेटा we have a is equal to this, b is equal to this, by question a cross b equal to by question a cross b equal to 0, a cross b is equal to 0। तो आप लोगों ने कहा सर a cross b is equal to 0 vector i, 0 vector j, तो 0 vector की कोई दिक्कत नहीं, because cross product is always vector। तो हम लोग निकालेंगे a cross b, that is i j और k, और यहां से 2 1 6 lambda 27 and mu equal to 0 i 0 j and 0 k, निकालो बेटा मुझे बोलो i का वैल्यू क्या आएगा, सिक्स म्यू माइनस 27 माइनस j टाइम्स 2 म्यू माइनस 27 यही है ना, k टाइम्स 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 i 0 j 0 k। आप अपना अपना अपने से कंपेयर कर लो, i वाले टर्म i के साथ, जे वाले टर्म जे, जब आपने जे वाले टर्म किया ना, आपने कहा 2 μ - 27 इक्वल टू 0, तो म्यू का वैल्यू मिलेगा 27/2 हो गया ये भी। आपने कहा के वाले टर्म 2 λ - 6 वो भी मिलेगा 0, लैम्डा का वैल्यू मिलेगा 6/2 दैट इज 3, यही निकाला था ना, हो गया। इसका क्रॉस को निकल कंपेयर करना, चलो चलो बोलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9। Find the area of a triangle with the vertices. We have, हाँ बेटा बोलना vertices क्या है? A of 1, 1, 2, 1, 2, B 2, 3, 5, and C 1, 5, 5. मैं ये दिखाऊंगा, इसके बाद 11 खुद करना है मकसूद। चलो बोलो आप नदीम, वेक्टर OA किसके पास बताएगा? OA I I J plus 2 K, यही है ना, yes, I J और K। शायद आप बोलो वो भी 2 I plus 3 5 K, यदि आप बोलो उसी I plus 5 J plus 5 K। अभी आप बोलो वेक्टर AB OB माइनस OA, यही है ना बेटा। वेक्टर BC बोलो कोई OB माइनस OB माइनस OC माइनस OB, ओसी माइनस कोई बोला, एसी ओसी माइनस ओए निकालो बेटा, ओबी माइनस ओए निकालो, आई 2J + 3K क्या हो गया आपको, ओसी माइनस ओबी कर लो माइनस आई प्लस 2J + 0K, ये निकालो कोई, ओसी माइनस ओए 0 i 4J + 3K। अब इन तीन में से जो भी दो आपको चाहिए से वो दो ले लो, आप लोग निकालो एक ए बी क्रॉस बी सी। बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी लोग याद रखेंगे, दैट इज ए बी क्रॉस बी सी, इनका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 2 1/2, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस और भी अल्टीट्यूड, तो ये बेस मानो ये क्या मानो, तो 1/2 ए बी क्रॉस बी सी। तो सबसे पहले हमें निकालना इनका क्रॉस, वो तो आपको पता है, दैट इज इक्वल टू 1/2 I J K, बोलो बेटा 1, 2, 3, -1, 2 और 0 निकाल सकते हो ना, तो दिस वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो लेकिन हमें इसका क्या लेना होता है, मैग्नीट्यूड। जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना वो भी सेम है, मकसूद थोड़ा बोलना क्वेश्चन नंबर 11 का, थोड़ा हिंट दूंगा मैं, ए एंड बी। देखो बेटा आबिद, आपको क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए किसके बराबर बेटा, 3। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 2/3 √2/3, हमें क्या निकालना है बेटा, देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, हां हां यहां देखना, आप लोग कह रहा है कि ए क्रॉस बी जो है ना ये यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड भी दिया है 1, क्योंकि ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। फिर क्या कह रहा आगे, अच्छा ऑब्जेक्टिव है ये, इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, फाइंड द एंगल बिटवीन, है ना। तो आप लोगों ने कहा सर एंगल के लिए फार्मूला, मकसद आप बोलना साइन थीटा किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ, पक्का सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आपने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है सर 1, लिखा मैं,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए थ्री, मैग्नीट्यूड ऑफ बी रूट टू बाई थ्री थ्री, दैट इज वन बाई रूट टू साइन थीटा, कब वन बाई टू होता है ए साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई रूट टू, दैट इज थीटा इज इक्वल टू फोर्टी रिजल्ट। Thank you.